हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा खूबसूरत शिशु है, स्वस्थ है, लेकिन उसका सिर गोल नहीं होता। और सिर गोल नहीं होने की वजह से शिशु का फेस भी बदल जाता है। अगर शिशु का सिर गोल रहे तो शिशु की सुंदरता और बढ़ जाती है। पर शिशु का सिर गोल क्यों नहीं रहता, इसका क्या कारण होता है और इसके ठीक करने के क्या उपाय होते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, डिलीवरी के बाद महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसके कारण शिशु का सिर गोल नहीं होता, वो चपटा हो जाता है पीछे से। दोस्तों, आप भी जानती हैं कि जन्म के बाद शिशु के सभी अंग और त्वचा बहुत नाजुक होती है, यहाँ तक कि शिशु का सिर यानी खोपड़ी भी बहुत मुलायम होती है। अगर शिशु को एक ही स्थिति में देर तक सुलाया जाए या एक ही स्थिति में सिर को रखा जाए तो शिशु का सिर चपटा हो जाता है और वही आगे चलकर फिर ठीक नहीं दिखता। शिशु की सुंदरता भी कम हो जाती है और शक्ल भी चेंज हो जाती है। भले ही शिशु बड़ा होकर कितना ही सुंदर दिखने लगे, लेकिन उसका सिर उसके खूबसूरती में जरूर फर्क डाल देगा। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी कि शिशु का सिर गोल कैसे रहेगा। आप जानते हैं कि जन्म के बाद शिशु का सिर काफी कोमल होता है और आप उसे जिस पोजीशन में रखेंगी वो उसी का आकार ले लेगा। शिशु का सिर गोल करने के लिए आपको एक सिंपल सा तरीका अपनाना होगा। उपाय के लिए आप मार्केट से 1 किलो सरसों ले आए, राई आप समझती होंगी सरसों, और उसको एक सूती का कपड़ा लेकर उसका आकार तकिए की तरह बना दें, तकिए की तरह सिल लें और उसमें राई को भर दें। अब पूरी तरह बन जाने के बाद आप उसको एक छोटे तकिए की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं जो शिशु यूज करेगा। जब भी शिशु सोए आप कोशिश करें कि राई के तकिए पे सुलाएं। शिशु के सिर के नीचे कोई और तकिया नहीं लगाएं, राई का ही तकिया लगाएं। राई के तकिए पर सुलाने से शिशु जब भी अपना सिर घुमाएगा या आप शिशु को जिस दिशा में सुलाएंगी तकिया उस हिसाब से सिर को एडजस्ट कर लेगा और जब शिशु का सिर एडजस्ट रहेगा तो किसी भी तरह से कोई दबाव नहीं पड़ेगा, जिससे शिशु का सिर कहीं से भी चपटा नहीं होगा और शिशु का सिर बिल्कुल गोल होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गई होंगी शिशु की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आप सिर्फ राई का तकिए का इस्तेमाल करवाएं, इससे शिशु की सुंदरता भी बनी रहेगी और सिर भी गोल रहेगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।